So, very, very good evenings. फटाफट सभी डियर जुड़ जाएं। सागर गुप्ता, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सागर जी, कैसे हैं आप? आज के धमाकेदार इस करंट अफेयर्स की शुरुआत की जाए। टू गुड ऑल गुड वेरी आजाद यादव, जय हिंद जय हिंद आजाद आजाद जी। सो क्रैक योर सीडीएस एपकैट सीएपीएफ विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ आपका फिर से स्वागत है। बिल्कुल, गेट सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेस फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर टीम के साथ आप मे डियर्स। ओके, थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट्स कंपनी की हो रही डियर्स, फिर मैं आपके साथ आऊँगा पूरे टेक्स्ट को लेकर। सो जस्ट इसे भी सुने। सो क्वेश्चन डैट विल हेल्प यू इज द डिफेंस एग्जामिनेशन क्वेस्ट। धमाका डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। सो डिफेंस एग्जामिनेशन क्वेस्ट आइए डियर, आप डेली लाइव क्लासेस को इंजॉय कर सकते हो एज यू आर इंजॉइंग्स। आस्क योर डाउट्स एंड आंसर्स पोल ऑल वाइल द क्वेश्चन इज गोइंग ऑन। ओके, स्ट्रक्चर कोर्स है। ऑल आवर कोर्सेस आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एवलुएट्स योर प्रिपरेशन। आप अपने प्रिपरेशन को एवलुएट कर पाओगे। रेगुलर मॉक टेस्ट के साथ हमारे साथ जुड़ो। अनलिमिटेड एसेस आपको मिल सकती है, जस्ट आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अन अकेडमी लर्निंग एप्स को आप डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके आप हमें वहां भी पा सकते हो। टेलीग्राम ऐप्स पे आप हमारे साथ आ जाओ। यू कैन सर्च मी टेलीग्राम्स बाय इमिनेंट एजुकेटर। आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको एमिनेंट एजुकेटर के रूप में सर्च करना होगा। एमिनेंट एजुकेटर इज माय यूट्यूब चैनल्स आल्सो। ओके, सो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक्स इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। आपके पास सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन है डियर। यू कैन टेक 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यू हैव टू यूज सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यूज करना होगा एजे कुमार इज माई रेफरल कोड्स। आप 6 महीने का ले लो, आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आप एजे कुमार यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके फाइन, चलिए डियर क्वेश्चन की शुरुआत की। आप सभी तैयार हो, आंसर करोगे डियर। नेम द प्लेयर टू विन द 2020 अबू धाबी ग्रैंड फिक्स। कौन ऐसे प्लेयर हैं जो अबू धाबी ग्रैंड फिक्स को जीते हैं 2020 में? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टैपेन, सेबेस्टियन बिटल्स एंड चार्ल्स लेक्लेयर्स, किसने जीता है? सागर कुमार का आंसर है लुइस हैमिल्टन, ये बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरे को आंसर करें डियर्स, लुइस हैमिल्टन इज द रॉन्ग। योर आंसर होगा डियर मैक्स वेरस्टैपेन। मैक्स वेरस्टैपेन ने इसे जीता है, करेक्ट। आइए डियर आप देख लें इन्हें। मैक्स वेरस्टैपेन क्या चलाते हैं? तो रेड बुल चलाते हैं। क्या चलाते हैं डियर? रेड बुल चलाते हैं और ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं। ही इज अ प्लेयर ऑफ नीदरलैंड्स। उन्होंने सीजन्स को अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने जीता है। ओके, और जो कि 13 दिसंबर 2020 को हुआ है, करेक्ट। अजय यादव, जय हिंद अजय यादव जी, कैसे हैं? फाइन। एंड दिस वॉज हिज सेकेंड विक्ट्री ऑफ द सीजन एंड 10th विक्ट्री ऑफ दिस करियर। इन्होंने अपने जीवन का करियर का ये 10वां इन्होंने ये खिताब जीता है। ओके, और इस साल का ये इनका दूसरा था, ये सेकेंड विक्ट्री था। द रेस वॉज द 17th एंड द फाइनल राउंड ऑफ 2020 फॉर्मूला 1 रेस वर्ल्ड चैंपियन। ओके, आप देखोगे सेकेंड रैंक पे कौन आ गए हैं? विक्ट्रीज बोटास आ गए हैं सेकेंड रैंक पे, करेक्ट, और लुइस हैमिल्टन आ गए हैं 3rd रैंक पे। याद रखिएगा डियर कि लुइस हैमिल्टन क्या चलाते हैं? मर्सिडीज। और ये किस किस कंट्रीज के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं, करेक्ट। और आप देख रहे हैं मैक्स वेरस्टैपेन जो है, जिन्होंने जीता है अबू धाबी, वो क्या चलाते हैं? तो रेड बुल को चलाते हैं। फाइन, अंडरस्टैंड? सागर गुप्ता जी, आजाद यादव, क्लियर? सो योर आंसर इज बी। आंसर आपका क्या होगा डियर? बी आपके आंसर होंगे। फाइन, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन विच डे?
जल्दी जल्दी करें डियर, मुझे दो स्लाइड्स आज दिखानी है, बिकॉज एक दिन गैप हो गई थी, सो मैं दो स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा आज फटाफट। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन को डियर्स, बताएं। सागर रौनक राठौर ने आंसर किया, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, 14 नवंबर को एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है, बिल्कुल सही। आप देख रहे हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 दिसंबर बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, किनके द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आप बात करोगे कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कंस्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कंस्टिट्यूशनल बॉडी है, आंसर करो। मैं आपको करंट अफेयर्स में पूरी तरह से चैंपियन बना दूंगा, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डेफिनेटली ये किसी एक्ट के द्वारा बनेगा, यस ये एनर्जी एफिशिएंसी एक्ट 201 के द्वारा इसे फॉर्म किया गया था। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इंडिया वॉज एग्जीक्यूटेड बाई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एक्ट इन 201, ये एक्ट बना है 201 में, इसके द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया है, दैट्स व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्लियर है। आप लिखा हुआ भी देख रहे हो डियर कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कम्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एनर्जी यूजेस, जो एनर्जी को यूजेस कर रहे हो या मिसयूज कर रहे हो उसको कम करने की बात के लिए इसे बनाया गया है, ओके। जिनके संरक्षण में इनको रिग्रेट्स करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है कि हम ऊर्जा को कैसे बचाव करें, ऊर्जा का सही उपयोग करें। देख रहे हैं नेशनल कंजर्वेशन डे 14 नवंबर। नाउ इस सेक्शन को छोड़िए डियर, आप आइए। इंडियन प्लेयर अंकिता रैना इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, अंकिता रैना किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, फटाफट डियर दो स्लाइड्स आपको कराने हैं आज। इंडियन प्लेयर अंकिता रैना इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, हॉकी खेलती हैं, बैडमिंटन है, शूटिंग है, टेनिस है, आंसर करें फटाफट। आजाद रौनक राठौर, आजाद यादव जी, आजाद आप तो यूट्यूब पे अनअकैडमी पे भी आते हो ना, आजाद आप मुझे अन अकेडमी पे देखोगे 7 PM पे, आज मैं आपको मिल जाऊंगा 7:05 PM पे अन अकेडमी पे, और यहाँ से लेकर 8:35 तक मैं आपके साथ रहता हूँ अन अकेडमी पे। आप मुझे अन अकेडमी पे लोड करो, डाउनलोड्स करो, ओके। और SPAJ Kumar आप हमारा रेफरल कोड को यूज करके अन अकेडमी पे लॉग इन कर सकते हो डियर, फाइन। सो इंडियन प्लेयर ये क्या खेलते हैं, डी रौनक राठौर ने कहा, बिल्कुल सही, टेनिस प्लेयर है, वेरी गुड, जिन्होंने डी कहा है, वेरी वेरी गुड, इंटेलिजेंट। अंकित चेत्री ने कहा है सी, रॉन्ग है, आप देख लीजिएगा, इंडियन टेनिस प्लेयर, ओके। अंकिता रैना क्लिंचेस हर थर्ड डबल टाइटल्स ऑफ दिस सीजन, इन्होंने ये तीसरा डबल टाइटल्स को जीता है, और ये टाइटल डबल जीता है जॉर्जियन पार्टनर के साथ, तो ये इंडो, आप कह सकते हो इंडो जॉर्जियन पार्टनरशिप है डबल, ओके, इसको इन्होंने जीता है, करेक्ट। चलिए ये वुमेन्स टूर्नामेंट है, आपसे पूछा जाए कौन सा टूर्नामेंट जीता है, 2020 अल हबचू टेनिस टूर्नामेंट जीता है, और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे डियर, वेयर इट हैपेंस, देयर इज इन दुबई, और ये क्या है, वुमेन्स टूर्नामेंट है, सो इट इज ए टाइप ऑफ वुमेन्स टूर्नामेंट, फाइन, करेक्ट। चलिए देख रहे हैं आप, ये इंडिया की है और ये जॉर्जिया की है, करेक्ट, ये डबल्स जीता गया है। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ नरेंद्र भिंडे हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, नरेंद्र भिंडे का क्या प्रोफेशन है, ये म्यूजिक कंपोजर है, एक्टर है, फिल्म मेकर है, स्क्रिप्ट राइटर है, आंसर करें फटाफट। ऊर्जावान बनिए डियर, तेजी से काम करें, आज आपको जस्ट हाफ एन आवर होगी तो मैं दूसरी स्लाइड्स भी आपको दिखाऊंगा, फटाफट। अजय यादव जी, He is a music composer. ये क्या है, म्यूजिक कंपोजर है, करेक्ट, आप देख रहे हो, इज ए वेटरन मराठी म्यूजिक कंपोजर है, ये नरेंद्र भिंडे जी म्यूजिक वेटनर मराठी कंपोजर हैं, जो अभी जस्ट रिसेंटली पास्ड हुए हैं, और ये जस्ट 47 ईयर ओल्ड थे, ओके। इन्होंने कई फिल्म बनाई है जिनमें स्पेशली सानी गुरुजी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, हरीश चांद्रानी फैक्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, ए प्रेइंग होस्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, हाँ जी हाँ, रौनक राठौर ए, वेरी गुड, आप देख पा रहे हैं इनको, ही जस्ट 47 ईयर ओल्ड ये चले गए,
चुक यार द फर्स्ट पायलट इन हिस्ट्री टू हैव एक्सीडेड द स्पीड ऑफ साउंड। ये एक ऐसे पायलट्स हैं जो स्पीड्स ऑफ साउंड से भी ज़्यादा फ्लाइट किए थे, ये अराउंड 1947 की बात है। आप बताइए कौन से फ्राइटर फ्लाए थे और ये किन कंट्री के थे, फ्रॉम विच कंट्री। देख रहे हो यूएस एयरफोर्स एयरफोर्स ऑफिसर एंड टेस्ट पायलट चुक यार, ओके, हु इन 1947 बिकम द फर्स्ट पायलट इन हिस्ट्री टू हैव एक्सीडेड द स्पीड ऑफ साउंड, जिन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को एक्सीड किया था, ओके। और इनका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी रहा है, कोरियन वॉर में भी रहा है एंड वियतनाम वॉर में भी रहा है। इज द मैन, देख पा रहे हो जो यूएस के मैन है, तो आप आंसर कर पाओगे। सभी लोग पूरी ऊर्जा के साथ जुड़े रहना डियर, ही इज द मैन, ओके। सभी लोग पूरी तरह से ऊर्जावान रहोगे, बराबर है। ये इज द मैन फ्रॉम चुक यार, इज द मैन फ्रॉम वेयर, यूएसए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द वाईफाई अवेलेबिलिटी इन पब्लिक स्पेस अक्रॉस इंडिया। पब्लिक स्पेस में वाईफाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी जी के द्वारा कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है। आंसर करें अजय यादव, रौनक राठौर, आप लोग सभी आंसर करें। अजय यादव, जैसा कि मैं आपको समझ पा रहा हूं आप ऑलरेडी आर्मी में हो, यू आर ऑलरेडी इन जॉब। अजय यादव ने कहा पीएम हॉटस्पॉट्स, ये आंसर रॉन्ग है। अजय यादव ने कहा वन ए, ये भी रॉन्ग है। रौनक राठौर ने कहा वो ए भी रॉन्ग है। पार्टिसिपेट करें डियर, रौनक राठौर ने अब कहा बी, ये भी रॉन्ग है। आंसर होगा पीएम वानी, गैस नहीं चलेगा डियर, नो गैस, पीएम वानी, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एसएस नेटवर्क इनिशिएटिव पीएम वानी, ये 9 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया टू इम्प्रूव द वायरलेस कनेक्टिविटी एंड पेव द वे फॉर फ्री वायरलेस इंटरनेट इन पब्लिक स्पेस अक्रॉस द कंट्री। ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं उन जगहों पे फ्री नेटवर्क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा, इसलिए ये किया गया है। इट इज बेस्ड ऑन वाईफाई हॉटस्पॉट्स, ओके, डिलीवरी सर्विस। देख रहे हैं इस तरह के लगे होंगे ईच एंड एवरी पब्लिक प्लेसेस में, जैसे बस स्टैंड में लगे हो सकते हैं, हाँ जी, रैन बसेरा में लगे हो सकते हैं, सो दैट पब्लिकली कैन हैंडल्स वाईफाई कनेक्टिविटीज। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द इंडिया इन द ईयर 2020 एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ईडीबी ने कितना प्रोजेक्ट किया है आपके जीडीपी को, ये तो बताना चाहिए। इस तरह के सवाल कई बार आपको पूछे जाते हैं और इनकी हैबिट डाल लेनी चाहिए, कई बार ये फ्लक्चुएट्स करते हैं और चेंज भी होते हैं। रौनक राठौर ए, आपने जवाब दिया ए और आंसर हुआ रॉन्ग। आप बताएं, ये सवाल रहा ये, जवाब रहा ये, मैंने कहा रॉन्ग। जल्दी कीजिए, 10 मिनट्स के अंदर मुझे दूसरी स्लाइड्स लेनी होगी। ओके, आंसर इज योर 8%, ओके, अर्लियर इट वॉज 9%, बट नाउ इट इज योर 8% के आसपास आ गया है, ये 8% कॉन्ट्रैक्ट होके ये 8% आ गया है, फाइन। एडीबी की बात करोगे तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनका हेडक्वार्टर है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये मनीला इज द हेडक्वार्टर, और ये PHILLIPIN इज फिलीपींस, ओके, मनीला फिलीपींस इनके हेडक्वार्टर है, बराबर है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज मेड इनटू द फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स फॉर विच सेकेंड ईयर इन ए रो, व्हाट इज द रैंक इन इस लिस्ट, इनका क्या रैंक है, आंसर करो डियर्स। आजाद यादव है जुड़े हुए हैं, रौनक राठौर जुड़े हैं, जुड़े हुए तो चार लोग हैं, बाकी दो लोगों का और क्या जवाब आ रहा है, और लोग कौन है। आंसर अजय यादव ने किया 41, बिल्कुल सही अजय यादव, देखो प्रयास करते करते सफल हो ही गए,
41 इज द रैंक, ये बताओ इनके पिछले साल रैंक क्या थी, 2019 में रैंक क्या था इनका, व्हाट वाज द रैंक इन 2019। अर्पित सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अर्पित, आप बताइए आंसर नहीं कर रहे हो अर्पित, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मजेदार एकदम धमाकेदार सेशन में आप सभी का स्वागत है, फटाफट जुड़े रहे और तेजी से अपने आंसर को करने का प्रयास करें डियर्स। अर्पित सिंह जी गुड इवनिंग, ये तीन लोग हैं, चौथे लोग कौन है, 34 वेरी गुड रौनक कहा बिल्कुल, देखो प्रयास करते करते आंसर पे आ गए, अर्पित ने कहा सी बिल्कुल सही। चलिए आप देख रहे हैं तो ये बताइए फर्स्ट में कौन है, वो इज इन द फर्स्ट, ये जो जर्मन की चांसलर है अंजेला मार्कर, ये पिछले 10 सालों से टॉप वन पे है, ओके तो फर्स्ट रैंक पे है जर्मन चांसलर, जर्मन चांसलर। सेकंड पे कौन है आप देख रहे हो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की है क्रिस्टिना लिगाडे, ये क्रिस्टिना लिगाडे पहले आईएमएफ की चीफ थी और क्रिस्टिना लिगाडे सेकंड रैंक पे आ गई है, और अभी कमला हैरिस, कमला हैरिस, हु इज कमला हैरिस, अर्पित सिंह जी, रौनक राठौर जी, अर्पित सिंह जी, आजाद यादव जी, फटाफट बताएं आप सभी, जस्ट 7 PM पे आ सकते हैं डेली न्यूज एनालिसिस में, इनमें दो बातें होती हैं, साइंस के पोल चल रहे हैं डियर, सेशन के लास्ट में आधे घंटे की पोल होती है, दैट इज पोल ऑफ साइंस, आप वहां मुझे, अगर आपको अनअकैडमी में दिक्कत हो रही है लॉगिन करने में, तो लॉगिन करने के बाद SPAJ Kumar वो आपको कोड मांगेगा, आजकल ये कोड मांग डिमांड किया जा रहा है, तो आप इसमें यूज कर पाओगे, ओके। अर्पित सिंह फाइन, और अर्पित सिंह सो फर्स्ट रैंक पे कौन हो गई, जर्मन चांसलर, सेकंड रैंक पे हो गए कृष्णा लिगाडे, और थर्ड रैंक पे कमला हैरिस, कमला हैरिस यूएस की वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई है जो 20 तारीख से अपने पद को ग्रहण करेगी, फाइन। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के न्यू चीफ कौन है, जस्ट 7 मिनट्स बचे हैं डियर, 7 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स का गैप लूंगा मैं सेकंड स्लाइड्स को लेने के लिए, आप लोग लाइन में बने रहेंगे। Who has been appointed as the new president of the World Squash Federation? Pablo Serena, Jerina Odrils, Jacques Fortinis and Sarah Fitzgerald. हाँ जी, रेणुका राठौर यूएस वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही आपने कहा। मुझे आप तीन लोग दिख रहे हो, चौथे कौन हो, Who is the fourth? अर्पित ने कहा बी, और बिल्कुल आप सही हो, बिल्कुल आप सही हो, वेरी गुड अर्पित, गुड नॉलेज। ही इज द मैन वुमेन्स, आप देख रहे हो जीना वुडलिंग्स, जीना वुडलिंग्स फ्रॉम इंग्लैंड, ये कहाँ की रहने वाली है, शी इज फ्रॉम इंग्लैंड। पांच लोग जुड़ चुके हैं, पांचवा कौन हो भाई, शी इज फ्रॉम जीना वुडलिंग्स, ओके। इनके बारे में बता दूं, ये प्रेसिडेंट बनी है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की, और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की हेडक्वार्टर डियर किधर है, हेस्टिंग्स में इनका हेडक्वार्टर है, वेयर इज हेडक्वार्टर, तो हेस्टिंग्स इज द हेडक्वार्टर जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, क्लियर है, ओके। ये वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1967 में हुआ था, व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967, ये जो फीमेल बनी है, ये दूसरी फीमेल बनी है, तो पहली फीमेल कौन थी, ये न्यूजीलैंड की थी, स्विक्सिमॉक, स्विक्सिमॉक वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, ओके। ये जो वुडलिंग्स बनी है ये इंग्लैंड की बनी है, और स्विक्सिमॉक जो थी वो न्यूजीलैंड की थी, ये ओके, क्लियर, वेरी गुड। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटन की गई है, 22,810, 22,510, 22,110, 22,310, आंसर करें। डियर 4 मिनट्स बचे हैं, मैं दूसरे स्लाइड्स को लूंगा, उनमें भी मुझे 2 से 3 मिनट चाहिए स्लाइड्स को टेकओवर करने के लिए।
No answers. Answer is 22810 crore. बाईजार 810 करोड़ रुपए. वेरी गुड अर्पित. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए है. ओके एम्प्लॉयमेंट्स एंड फोर सेक्टर्स बाय इंकरेजिंग बिजनेस टू डू इन द फ्रेश शेयरिंग्स एमिड ऑफ द पेंडेमिक्स. ओके पेंडेमिक्स के बाद इकोनॉमी को अपग्रेड्स करने के लिए इसकी जरूरत है. डी है सो 22,810 करोड़ रुपीज दिया गया है किन के लिए. ओके आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए. करेक्ट. Very good. Name the celebrity who has topped the 15 Asian celebrities in the World 2020 list of UK-based Eastern Eye newspaper. ये celebrities को list को कौन जारी करता है? तो आप बोलोगे Eastern Eye newspaper. Correct. Eastern Eyes newspaper. What the name of celebrities? The celebrities का नाम होगा आजाद यादव ने कहा बी. आप बिल्कुल गलत हो. रौनक राठौर ने कहा बी. गलत हो. अर्पित ने कहा ए. बिल्कुल गलत हो. गेस डियर आजकल फेल हो जाते हैं. आंसर इज सोनू सूद. आंसर इज सोनू सूद. आप देख रहे हैं ही इज मिस्टर सोनू सूद्स. ओके ही इज मिस्टर सोनू सूद. ये मिस्टर सोनू सूद है. इनको दिया गया है. करेक्ट. चलो ये आप सब ये बताओ आपका टाइम सही है. यूट्यूब पे क्लासेस की टाइम सही है. बिल्कुल इसी टाइम पे आप क्लासेस करना चाहते हो. संडे को मैराथन क्लासेस चलेगी. ओके दिस संडे इट इज अ मैराथन क्लासेस ऑफ 3 आवर्स. ये 3 घंटे का सेशन लगभग 2 घंटे का सेशन चलेगा जिनमें मैं पढ़ा रहा हूँ वर्ल्ड बैंक और साथ में पढ़ा रहा हूँ IMF. सो वर्ल्ड बैंक एंड IMF बोथ. ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. तो कमिंग संडे को क्लास करना ना भूलेंगे. कमिंग संडे दिस क्लास. टेलीग्राम पे मैं लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. आप टेलीग्राम पे आ जाए. टेलीग्राम पे चैनल का नाम है एमिनेंट एजुकेटर. ये हमारे चैनल का नाम है. ओके एमिनेंट एजुकेटर पे आप हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें. फाइन. सो इंडियन एक्टर सोनू सूद हैज टॉप्ड द फर्स्ट ऑफ हिज काइंड 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द 2020 पब्लिश बाय यूके बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज पेपर. फाइन. ये मात्र 47 ईयर ओल्ड हैं. ओके इनका बेसिकली क्या है जो अभी आप तो डिस्प्लेस्ड वर्कर थे जिनको स्पेशली इन्होंने रिहैबिलिटेट किया है हेल्पिंग द माइग्रेंट वर्कर इच देयर होम टाउन्स स्पेशली एट द टाइम ऑफ कोविड पेंडेमिक्स सो दैट इनको ये अवार्ड दिया गया है. हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन. इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के चेयरमैन कौन है? जस्ट ये लास्ट स्लाइड है इसके बाद मैं स्लाइड लूंगा. आंसर होगा अंकिता सोरेस्टेंस. ओके जस्ट वेट करेंगे डियर. मैं नेक्स्ट स्लाइड को ले रहा हूं. ओके ऑल आर वेट. सभी लोग वेट करेंगे. क्या सभी लोग वेट करेंगे? आई एम टेकिंग सम न्यू स्लाइड्स. ये तो फिर से वही आ गई. जस्ट वेट.
जस्ट वेट करेंगे, ऑल आर वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आई एम जस्ट सेलेक्टिंग द स्लाइड्स। हाँ चलिए, द स्लाइड हैज कम ऑलरेडी। चलिए, आप सभी तैयार हो। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल्स हैज प्रोजेक्टेड द जीडीपी ऑफ इंडिया एट व्हाट परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 21। अभी देख लो, थोड़ी देर पहले एडीबी ने फोरकास्ट किया था, अभी आपका रेटिंग एजेंसी क्रिसिल्स कर रहा है। आंसर करेंगे डियर, -9.5%, -8.1%, -7.7%, -10.7%। अर्पित सिंह आजाद, अर्पित रौनक राठौर, अर्पित सिंह का जवाब आया है बी, आप बिल्कुल गलत जवाब में हैं, सॉरी आप बिल्कुल गलत हैं अर्पित, आपका रॉन्ग है। ये ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो बी और सी में होगा। अजय यादव ने कहा ए, इट इज रॉन्ग। बिल्कुल एनर्जेटिक्स रहिए, यू आर वेरी फास्ट एंड एक्टिव, वही लोग सक्सेस होते हैं। Your answer is C, -7.7%. देखो डियर, क्रिसिल हैज लोअर द कंट्रैक्शन रेट ऑफ इंडियन जीडीपी एंड नाउ एक्सपेंड द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज 7. यहां पे माइनस होगा डियर, -7.7. इन द ऑनगोइंग फिस्कल 2021s, ओके। अगर आप बात करोगे 2120 में, तो इंडिया की जीडीपी जो है बूमिंग्स करेगी और ये 10% की जीडीपी ग्रोथ पे आ सकती है। अभी इंडिया की जीडीपी श्रिंक कर रही है, लेकिन श्रिंक करने का रेट पहले -9 था, फिर 8 हुआ और -7.7% हो गया है। बात है क्रिसिल के लिए, तो व्हाट इज क्रिसिल्स? क्रिसिल इज एन इंडियन एनालिटिकल कंपनी प्रोवाइडिंग रेटिंग्स। इनका काम क्या है? ये रेटिंग करती है, रिसर्च एंड रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विस। और ये एंड इट वर्क एज अ सब्सिडी ऑफ स्टैंडर्ड एंड पुअर। ये स्टैंडर्ड एंड पुअर के ओके ओके इनकी हेडक्वार्टर किधर है? तो मुंबई। आपको याद रखनी है क्रिसिल्स की हेडक्वार्टर किधर है, तो आप बोलोगे मुंबई। Which day is observed as the International Tea Day by the tea producing country like India? Which day is observed as the International Tea Day by tea producing country like India? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? आंसर करेंगे आजाद ने कहा बी, आंसर होगा डियर 15th दिसंबर। ये 15th दिसंबर को मनाया जाता है, ओके। देख लीजिए, इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 15th दिसंबर। ये कब से? 2005 से इसे मनाया जा रहा है। ये किन लोगों को मिलकर बनाता है? जो चाय प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो देखिए इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केनिया, मालवीज, मलेशिया, तंजानिया एंड उगांडा। ओके, ओला कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द वर्ल्ड।
इन विच ऑफ द इंडिया, विच स्टेट ऑफ इंडिया ओला ने डिसाइड किया है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फैक्ट्री सेटअप करेगा? बताइए डियर। अर्पित कौन अभी जुड़े हो? आजाद, रौनक राठौर, रौनक राठौर ने कहा ए उत्तर प्रदेश। सभी लोग पार्टिसिपेट करो डियर। देखो आंसर होगा आपका तमिलनाडु। आंसर इज जो तमिलनाडु। गलत सही चलेगा, पार्टिसिपेट तो करो। फर्स्ट मेक रॉन्ग दैट देन ट्राई टू बी द करेक्ट। तो तमिलनाडु इज योर आंसर। नाउ द सॉफ्ट बैंक, देखो सॉफ्ट बैंक स्पॉन्सर करती है ओला को, हैज साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद तमिलनाडु गवर्नमेंट टू सेट अप इट्स फैक्ट्री। और फैक्ट्री की लागत कितनी आएगी? 2400 करोड़ की लागत आएगी। ये ओला फैक्ट्री है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, बट ये जो फैक्ट्री है वो बेसिकली ई फैक्ट्री है। ओके, कौन सी फैक्ट्री है? ई फैक्ट्री है। नवीन सिंह आ चुके हैं, वेरी गुड, ई फैक्ट्री है नवीन सिंह। ओके, सो 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच प्लेस? गुजरात में होने हैं, तेलंगाना में होने, उड़ीसा में और हिमाचल प्रदेश में। दीक्षा नेगी भी आ चुकी हैं, सभी लोग आंसर करें फटाफट। देखिए द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ओके हैज अनाउंस दैट 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड इन उड़ीसा। किन जगहों पे होगा डियर? तो ये उड़ीसा में होगा फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम। इससे पहले 2018 में भी उड़ीसा में हुआ था, और ये जो 2023 में होना है वो 15th एडिशन ऑफ द मेन्स हॉकी टूर्नामेंट है। ओके, और जिस स्टेडियम में होगा उस स्टेडियम का नाम क्या है? कलिंगा स्टेडियम। और ये कलिंगा स्टेडियम किधर है डियर? तो भुवनेश्वर में है। और जो और मैच खेले जाएंगे ये विजू पटनायक हॉकी स्टेडियम राउरकेला। सो ये भुवनेश्वर और राउरकेला में दोनों जगहों पे ये मैचेस खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप इज हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। फेडरेशन ऑफ हॉकी टूर्नामेंट हर 4 सालों पे होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डियर कि हर एवरी 4th ईयर पे होती है। ओके, तो 18 में हुई थी, 4 साल के बाद मतलब 5वां साल में, 2023 में होगी, फिर 4 साल के बाद मतलब 2028 में फिर ये टूर्नामेंट होगा। ओके, आंसर करें। आरबीआई हैज प्लान टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर इन विच सिटी ऑफ द रिसिपिएंट स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ द करेंसी नोट्स। ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर चालू करने जा रहा है आरबीआई। सोहेल टेली जयपुर, हाँ जी, वेर आर यू, कहाँ थे, मैं आपको ढूंढ रहा था, वेर आर यू जयपुर वाले। आप सभी से आग्रह है कि आप SPAJKumar हमारा रेफरल कोड को यूज करके अन अकेडमी पे आ जाएं। अच्छा नवीन, आपने क्या सब्सक्रिप्शन लिया है क्या? नवीन, हैव यू गॉट सब्सक्रिप्शन? अच्छा नवीन, आपने क्या सब्सक्रिप्शन लिया है क्या? नवीन, हैव यू गॉट सब्सक्रिप्शन? Uh,
आई गॉट मैसेज बेसिकली नवीन के नाम से कुछ मैसेज आया था कि हाँ मे बी अदर मैसेज बेसिकली नवीन के नाम से कुछ मैसेज आया था रौनक राठौर क्या पूछना चाह रही है बताइए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूज एंड सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपीज एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम. इट्स आल्सो मैनेज द करेंसी पेमेंट एंड सिस्टम्स. सॉरी फॉर दैट वन पर बचाव कीजिए अपने आप को ठंड से. ओके ये आंसर होगा डियर हैदराबाद. योर आंसर इज हैदराबाद. द सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 2020 वॉज होस्टेड बाय देहरादून. द इवेंट वॉज विच एडिशन ऑफ द समिट. रौनक राठौर कुछ बोलना चाह रहे. यू वॉन्ट टू से सम थिंग्स. बेहिचक बोलिए. डोंट वरी. द 9th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट वॉज ऑर्गेनाइज इन वर्चुअल मोड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे फ्रॉम दिसंबर 11 टू 14. इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव एंड होस्टेड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम उत्तराखंड देहरादून. So it is the 9th edition. Naveen Singh, no, it is the 9th edition. Answer kya hoga? 9th edition. Okay, yaad rakhiyega coming Sunday ko aap sabhi ko dekhna na bhule. Coming Sunday ko marathon classes chalegi. Ye marathon classes chalegi World Bank एज वेल एज हमारी क्लासेस चलेगी IMF. एक दिन में ये दोनों खत्म होंगे वर्ल्ड बैंक एंड IMF. ये चलेगी क्वेस्ट पे अनअकैडमी क्वेस्ट. ओके ओके जिन्हें भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप यूज कर सकते हो SPAZ. काइंडली हमारे ऊपर भी ध्यान देना. मैं भी आपके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ. व्हिच ईयर हैज बीन डिक्लेयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय यूनेस्को. यूनेस्को को इदारा किस साल को क्रिएटिव इकोनॉमी के रूप में मनाया जा रहा है. नवीन आंसर करो. वन थिंग आई वॉन्ट टू नो यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस ना. Mostly CDS, CAPM. Very good. Mostly CDS, CAPM. Very good. Very good. Mostly CDS, CAPM. Very good. अच्छा, one thing I want to know, आप लोग किन-किन states से हो जरा मुझे बता देना. चलो आप ही लोग के लिए डिजाइन किया हुआ ये क्वेश्चन है. चूंकि एग्जामिनेशन यूपीएससी लेती है सो डेट क्वेश्चन में डेप्ट होते हैं. मैं डॉक्ट को भी डिक्लेयर कर रहा हूँ. आप देख ले रहो यूएनएस्को है डिक्लेयर द 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये जो है किस सेशन का है तो 74th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. हमें ये डिक्लेयर किया गया था कि मनाया जाएगा. आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि किस सेशन में यह डिक्लेयर किया गया था तो ये 74th सेशन में ये डिक्लेयर किया गया था कि 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी बनाया जाएगा. ये क्रिएटिव इकोनॉमी बनाने का मतलब क्या है आप देख रहे हो कि फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान. फादर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान इनके क्रिएटिव इकोनॉमी इन द नेम ऑफ बंगबंधु. इनके नाम पर एक प्राइज भी निकाला गया है अवार्ड्स भी निकाला गया है. ओके इनके नाम पर एक प्राइज भी निकाला गया है अवार्ड्स भी
The father of nation in Bangladesh, he served as the first president of Bangladesh भी रहे हैं ये. A Banyan Prize will given away once in 2 years, starting from November 2021, and the prize will carry cash award of US 50,000. चूंकि ये पहली प्राइजेस है, ये इस बार इसी साल की स्टार्ट की गई फर्स्ट प्राइजेस है, सो आने के चांसेस है आपके एग्जामिनेशन में कि बांग्लादेश के द्वारा कौन सा प्राइज स्टार्ट किया गया है और किन के उपलक्ष में है, तो आप बताना. शेख मुजाबिर रहमान को ग्रीटिंग्स करते हुए इस प्राइज को शुरुआत किया गया. ओके, सो आप देख रहे हो डियर, ये ईयर होगा 2021. करेक्ट. ओके, रौनक राठौर यूपी. यूपी से कहां से हो? यूपी के काफी बंदे रहते हैं, यूपी, बंगाल एंड उड़ीसा के. आप उनके पास काफी बंदे हैं, यूपी, लखनऊ, बनारस. आई हैड वर्क इन यूपी. ओके, राजनाथ सेठ, यू आर फ्रॉम बिहार. ओके, आई वाज बोर्न इन बिहार. नवीन सिंह, आई एम आल्सो फ्रॉम बिहार. You are from Dubai. Oh, you are from Dubai. Late Radhika Ranjan Pramanik was a veteran politician and MP from which state? Radhika Ranjan Pramanik jo hai. बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. देख रहे हो, वेटरन पॉलिटिशियन एंड 5-time MP वेस्ट बंगाल, राधिका रंजन प्रमाणिक का निधन हो गया है. He is 88 year old. Okay, fine. The Vision 2035 Public Health Surveillances in India is a white paper released by which organization? Ministry of Health, Niti Aayog, WHO, or National Development Councils? Oh, you are from Firozabad. Very good. West Bengal. इस्लामपुर. वेरी गुड. आशम्स. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहा सोहेल चलिनी. रॉन्ग आंसर है, आंसर करो आप सभी. इट इज रॉन्ग आंसर. WHO भी रॉन्ग आंसर है. यस, आंसर इज योर नीति आयोग. वेरी गुड. सी, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंसेस विजन 14. नीति आयोग वॉज रिलीज अ व्हाइट पेपर टाइटल विजन 2035. ओके, यस राज सेठ. बी तो होगा ही, सारे नहीं होगा तो बी तो होंगे ही. एंड हेल्थ सिस्टम को इन्होंने स्टैंडिंग करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक सर्विलेंसेस को निकाला है. एम्ब्रोस डालमानी हु हैज पास रिसेंटली वाज रिसेंटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? स्टवानीज, डिस्टो, सीरिया, मालवाई. किनके डियर? स्टवानी. वेरी गुड, करेक्ट आंसर.
Very good knowledge. So Ambrose Dalmini, the Prime Minister of Istvani, a country in Southern Africa. देखिए ये न्यूज जब आ गया है इन कंट्री को भी जान लें, ये साउथर्न अफ्रीका की कंट्री है. ओके, हैज पास्ड अवे आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग कोरोना वायरस एंड ही वाज 52. क्योंकि इनका डेथ हो गया है इसलिए इम्पोर्टेंट है. डालमा वाज अपॉइंटेड एज द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑन अक्टूबर 2018. ये इनके 10th प्राइम मिनिस्टर थे. एग्जामिनेशनों की आदत होती है. All countries new for me. कोई दिक्कत नहीं dear. New वाले के chances ज्यादा होते आने के लिए. अब तो new नहीं रहा ना. All countries new for me. कोई दिक्कत नहीं dear. New वाले के chances ज्यादा होते आने के लिए. अब तो new नहीं रहा ना. चलिए. What is the name of the national level summit organized by National Mission for Clean Ganga and Clear Ganga? आप देख ले रही है द 5th इंडियन वाटर समिट एंड आंसर देख ले रही है द 5th इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट. Kicked off on 10 December 2020 virtually, the event was inaugurated by Ratan Lal Kataria, Minister of States of Jal Shakti. The objective of IWIS 2020 is comprehensive analysis and holistic management of rivers, water bodies. Clear? Analysis and holistic management of rivers and water bodies. Aye. Which champion of India has been recently appreciated by World Health Organization? World Health Organization ने इंडिया के किस कैंपियन को appreciate किया है? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज. फिट है तो हिट है. खेलो इंडिया, रन इंडिया रन. बिल्कुल सही, सभी कोई बिल्कुल सही जा रहे हैं. आंसर क्या होगा? ए. आंसर इज योर ए. वेरी गुड. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. द कैरी ऑन कॉल बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ऑल इंडियंस ऑफ फिटनेस कडोज. फिटनेस कडोज आधा घंटा रोज हैज रिसीव प्रेज फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इन ए ट्वीट WHO सेड इट अप्लॉड्स India initiative on promoting physical activity through this fitness campaigns and the campaign launched as a part of the nationwide Fit India movements. आपको एग्जाम में पूछ देगा कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है. आप बोलेंगे नेशन वाइड फिट इंडिया मोशन बाय यूनियन यूथ मिनिस्टर्स. कौन है डियर? किरण रिजिजू आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड यूथ एंड Youth and Sports Ministers. Okay. Sports Minister and Youth and Youth and Sports Ministers. Okay. Kalin Bhaiya, kya likh rahe ho aap? So dears, आज के सारे questions आपके हो गए. Okay. अब मुझे आपसे कुछ बातें करनी है. हाउ दिस क्लासेस आपको कैसे लगे काइंडली अपने कॉमेंट्स में लिखने का प्रयास करें. लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ओके, सो यू कैन यूज माई रेफरल कोड्स. आप जो भी चाहते हो कि आप हमारे क्लासेस को सब्सक्राइब करने के बाद भी देखें. कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो प्लस पे चलती है हमारी, वो प्लसेस में. हाँ जी, यस, धमाका क्लासेस है ये.
मुकुल मधुकर, क्या आपको बोर लगा? गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड नाइट्स। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड यूज करें हमारे एजे कुमार रेफरल कोड्स को, और जस्ट अभी से आप 10 मिनट्स के बाद मुझे आप पाओगे। हाउ इज बोरिंग्स? व्हाट यू मधुकर, क्या लिख रहे हो आप? यूपीएससी 2019। अच्छा, यू हैड क्लियर्ड यूपीएससी 2019। ओके, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, यू हैड क्लियर्ड यूपीएससी 2019। ओके, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। एंड किस राज्य से आप हो? इन विच स्टेट यू आर? बुधवार पद से आप हो? आई होप योर एटीट्यूड इज नॉट प्रॉपरली। आई होप इफ यू करेक्ट, इफ यू करेक्ट दिस सो मच दिस गुड एग्जामिनेशंस, देन द कम्युनिकेशन वर्सेस इज नॉट गुड, मेक चेंज। यू नो आई एम डूइंग पीएचडी विथ इकोनॉमिक्स, I am doing PhD with economics. The everyone is replying in a very good manners. I hope it is doubt to that you have correct this examinations. Okay, thank you. Thank you to all of you. It's my perception, because the way you are replying is not up to the intellectuals replying. Okay, thank you. Good night to all of you. Good night to all of you. जिनको अच्छा लगा, be continue. कल फिर इसी समय में हमारी क्लासेस होगी. Okay.